हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स के साथ एक चटपटी सी सॉस, जो आप एपेटाइजर में नहीं लंच और डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ चार उबले हुए मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। इनको हम अब ग्रेट कर लेंगे। ये मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब मैं इसमें करीब एक बड़ा चम्मच राइस फ्लावर या चावलों का आटा डाल दूंगी। इसमें हम मैदा डालेंगे। मैं यहाँ करीब चार बड़े चम्मच मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर डालकर वन टेबलस्पून में यहाँ नमक डाल रही हूँ। इसमें हम बहुत सारे मसाले नहीं डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि इससे थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। इसका सारा फ्लेवर हम सॉस से इसकी बनाएंगे। सो अब मैं इसका एक डो सा तैयार कर लूँगी। अगर आपको इसमें आटा कम लगे या ज़्यादा लगे, आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ चार बड़े चम्मच ऑल पर्पस फ्लावर डाला है और इसका एक डो रेडी करूँगी। अगर आपके आलू थोड़े गीले हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लावर डाल लीजिए और एक डो तैयार कर लीजिए। हार्ड नहीं है और ना ही बहुत सॉफ्ट है। अब हम इनकी हाथ में तेल लगाते हुए बॉल्स तैयार करेंगे। मैंने यहाँ हाथों में तेल लगा लिया है। अब हम इनकी बॉल्स तैयार करेंगे। मैं यहाँ मीडियम साइज की बॉल्स बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटी बड़ी कर सकते हैं। देखिए ऐसे हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स यहाँ रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें, यहाँ मैंने तेल भी गर्म कर लिया है मीडियम से हाई हीट पर, क्योंकि हमारे आलू उबले हुए थे तो मैंने मीडियम से हाई हीट पर ही बॉईल करूँगी। तो एक एक करके इन्हें डालेंगे हम। बहुत क्राउडेड हमें इन्हें नहीं करना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे या क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हम इन्हें हिलाएंगे। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग गए हैं। इनको हम सब तरफ से अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। इनको ऐसे ही धीरे धीरे हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए, अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक बास्केट में छान लूंगी और इसके नीचे मैंने एक प्लेट रख ली है जिससे सारा तेल इसमें निकल जाए। सॉस एक तरफ रेडी कर लेंगे। इसकी सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में करीब एक बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें दो बड़े चम्मच लहसुन जो मैंने क्रश किया है, दो बड़े चम्मच अदरक के और थोड़ा सा हरा प्याज लिया है मैंने। पहले इसमें लहसुन और अदरक डालकर इसको हल्का सा पका लेंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना, बस इसकी स्मेल जाने तक हम इसे थोड़ा पकाएंगे।
भुन गया है, इसकी स्मेल चली गई है। इस समय हम इसमें हरा प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा नीचे लग रहा है, आप चाहें तो इस टाइम थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैं अभी इसमें अपनी सारी सॉसेस ऐड करूंगी। तो मैं यहाँ अभी मैगी हॉट एंड स्वीट सॉस ऐड कर रही हूँ। आप इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ सिराचा है या हॉट सॉस है। आपके पास अगर चिली गार्लिक सॉस है आप वो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी शेजवान चटनी मैं डाल रही हूँ जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा हम इसमें एक बड़ा चम्मच केचप डाल दूँगी। थोड़ी सी मैं डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, तो एक बड़ा चम्मच सोया सॉस का। और इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक छोटा चम्मच सिरका या विनेगर, मैं वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ। इस समय मैं यहाँ करीब एक चौथाई कप पानी डाल दूंगी और इनको पकने देंगे थोड़ी देर। मैंने इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, मुझे मिर्च या हॉट सॉस थोड़ी कम लग रही है। मैं यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने एक छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस और ऐड की है जिससे कलर बहुत ही अच्छा बन गया है। ये देखिए, स्टोव मैंने यहाँ ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल हनी ऐड कर देंगे जिससे इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। बहुत खट्टा या मिर्च जो होगी वो सब बैलेंस हो जाएगी। आप चाहें तो इसे पहले टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, हमारे पोटैटो बॉल्स बिल्कुल रेडी है, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। सो मैंने इन्हें एक ट्रे में डाल लिया है। अब हम इसकी सॉस को इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसे गार्निश कर दिया है लाल प्याज की रिंग्स के साथ, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हरा प्याज। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर रेसिपीज एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट्स एट फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। बाय।